दोस्तों तो आज हम बताने वाले हैं किसी भी नंबर का कॉल डिटेल कैसे निकालते हैं। हाँ, पूरा कॉल डिटेल चाहे 1 महीने का या 1 साल का, यानी जितना आप चाहें उतना निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में बताने, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए देखिए, ये एप्लीकेशन है मोबाइल, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो सिंपल सा इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, इस कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब उसके नेक्स्ट आ गया गिव परमिशन पे, आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे गिव परमिशन में मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अलाउ मांग रहा है तो अलाउ पे क्लिक कर देना है आपको। अब ये कन्फर्म परमिशन कर रहा है। अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई योर सिम ऑपरेटर एंड सर्किल और आइडेंटिफाई योर मोबाइल आपका कर रहा है। तो ऑटोमेटिक सब वेट करते रहिए, थोड़ी देर में अभी आ जाएगा नंबर के। मोबाइल नंबर इसी मोबाइल में होना चाहिए, तो वेट मैं कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह आ गया मोबाइल नंबर डालने के लिए। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपके मोबाइल में है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना हाइड कर दे रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ वेरीफाई नीचे दिख रहा है, वेरीफाई पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब जैसे वेरीफाई पे क्लिक करूँगा इस तरह ऑप्शन आ जाएगा, तो ओके पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करूँगा ये इस तरह वो SMS OTP भेजेगा हमारे मोबाइल पे, और मोबाइल पे एक OTP कोड आ जाएगा। ये देखिए आ गया ऑटोमेटिकली, उठा लिए सही का, यानी कंग्रेट्स मोबाइल अकाउंट क्रिएटेड, यानी हमारा अकाउंट बन गया। अब ई मेल आई डी भी, इसमें ई मेल आई डी अगर आपने नहीं डाला है तो ई मेल आई डी डाल लीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक उठा लेगा आपके मोबाइल में जो ई मेल आई डी ओपन होगी। तो मैं ऑलरेडी ई मेल आई डी भी इसमें हो गया है, तो यहाँ पे ओके दिख रहा है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इस तरह आ गया, गिव परमिशन पे क्लिक फिर कर देना है। परमिशन कुछ मांगेगा यहाँ पे, यानी ये देखिए कुछ बता रहा है कि मोबाइल बैलेंस क्लिक, यानी आपको एक्सेबिलिटी में पहुँचा दे रहा है, इसको ऑन करना है। ये देखिए ऊपर, तो इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है, तभी ये कुछ कर पाएगा। ये देखिए ऑन कर देना है, उसके बाद बैक आ जाना है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, नहीं तो बैक होके आप ओपन कर सकते हो। अब देखिए इस तरह ऑप्शन आ गया, ये पूरा ओपन हो रहा है, पूरा भी ओपन हो जाने दो। देखो इसका इंटरफेस कैसा हो फ्रेंड, देखिए इस तरह इंटरफेस आ गया। आपको सबसे पहले ये करना है, यहाँ ऊपर सेटिंग दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके नंबर सेट कर देना है जिस नंबर का कॉल डिटेल निकालना है। अब यहाँ देखिए आइडिया जिसे बना है, इधर क्लिक करके मैंने ऑलरेडी नंबर डाल दिया है, तो यहाँ जो नंबर पड़ा है इस पर देखो मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे क्लिक करके जो आपका पर्सनल नंबर हो, ये मैं हिडन कर दिया हूँ इसलिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पर नंबर डाल के सेव कर दीजिए। अब जैसे सेव कर दोगे, बैक करोगे, जब बैक करके आओगे यहाँ पर है ना, तो इस बिल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे अभी क्लिक करोगे, आपको इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा 7 डेज या 30 डेज, जितने डेट का आप निकालना चाहते हैं कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये कॉल डिटेल वही कॉल डिटेल निकालता है, यानी कि एप्लीकेशन जैसे आज आपने जिसके मोबाइल में जिसका कॉल डिटेल निकाला, आज इंस्टॉल करके ID बना के छोड़ दिया उसके मोबाइल में, हाँ जिस नंबर से या जो नंबर उसमें डाल दिया, उस नंबर का क्या है, जब उस पर कॉल होगा, यानी कॉल जितने भी कॉल होंगे, जब से ये मोबाइल पड़ जाता है रख, तब से डेटा यानी स्टोर करने लगता है, यानी तब से कॉल रिकॉर्ड दिखाए। नहीं तो बाद में ये बोलो कि यार फेक बताए, क्योंकि मुझे रियल चीज़ बताना है, ये नहीं कि फर्जी। काफ़ी लोग को मैंने देखा इसी पे वीडियो बनाया, लेकिन उन्होंने बोला कॉल डिटेल आप किसी भी मतलब निकाल सकते, ये नहीं बताया कि जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे उस टाइम से जो कॉल करेगा बंदा, जितने भी कॉल किए रहेगा, यानी इंस्टॉल होने के बाद रखा रहेगा उसके मोबाइल में, तो यानी वही कॉल डिटेल ये बताता है, ना कि आप अभी इंस्टॉल कर लिए और पिछला का ढूंढो इसके बाद का, तो वो कॉल डिटेल नहीं दिखाएगा, तो इसलिए मैं बता दिया। तो दोस्तों देखिए जैसे सिंपल सा आ गया, जैसे मैंने अभी इंस्टॉल करने के बाद 2 कॉल किया था, 2 कॉल ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब यहाँ इसको कितने टाइम पर किया क्या है, पूरा गेट बिल बाई ई मेल पर क्लिक करके आप ई मेल पर PDF फाइल भी ले सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो ई मेल आई डी डाल देना, तो ऑलरेडी मैं ई मेल आई डी अपनी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैंने हाइड किया है, और यहाँ गेट बिल पे क्लिक कर दिया। जैसे गेट बिल पे क्लिक कर दिया, ये क्या है, PDF फाइल हमारी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। मैं मेल पे भी दिखा दे रहा हूँ, यानी पूरा डिटेल, अगर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके रख दी हो तो आप कितना भी कॉल कहीं भी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, पूरा डिटेल इसमें सेव होता रहेगा। जिस दिन आप चाहोगे गेट बिल करके निकाल लोगे PDF फाइल आपके मेल पे, या जिसके मोबाइल से आप चाहते हो कि उसका कॉल डिटेल उस पर हम सिक्योरिटी नज़र रखें, तो उसके मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आईडी बना के छोड़ दो। अब क्या, ये देखिए मेरी ईमेल पे मैसेज आ चुका है ऑलरेडी, ये देखिए ऊपर, ये आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए मैसेज आ गया, डियर यूज़र हेयर समरी योर मोबाइल यूसेफ आ पीरियड 16 मार्च टू 23 मार्च
यू हैव एनी क्वेरी फीडबैक अबाउट दी कॉल, ये वी आर अप्रिसिएट, ये थैंक यू यूजिंग, ये देखिए पीडीएफ फाइल दे दिया। अब इसको ऐसे लोड करके पूरा मतलब नहीं तो इसी पे क्लिक करके भी देख सकते हो, ऊपर डाउनलोडिंग हो रहा है लेकिन मैं इसी पे आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ इसका पूरा प्रोसेस। ये देखिए ओपन हो रहा है, ये देखिए पूरा जो बिल है ना पूरा आ गया, देखो कैल दिया हुआ है पूरा मेरा जो भी है समरी मेरा इतना इतना, और ये कॉल डिटेल यानी दिया हुआ है एसटीटी रूम, यानी पूरा टोटली बिल दे दिया है ये पूरा, ये मतलब हर चीज़ ये बता देगा। ये देखिए साइड में कह रहे हैं पूरा नेम नंबर सब बता रहा, सिर्फ मैं हिडन कर दिया हूँ जानबूझ के मैं नंबर सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ये देख रहे हो पूरा नेम भी शो कर रहा है, जिस नेम से सेव था, किससे बात हुई, क्या है, पूरा नेम नंबर, कितने टाइम, क्या, यानी पूरा टोटली प्रोसेस बता दिया। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जैसे आप किसी के ऊपर नज़र रखना चाहते हो और क्या उसके में इंस्टॉल करके आईडी बना के छोड़ दो, जिससे भी बात, कोई भी बात कर रहा है, कहीं भी बात कर रहा है, तो पूरा रिकॉर्ड होता रहेगा कॉल डिटेल यानी पूरा नाम सहित। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर किसी को पता चले, और लाइक भी करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी ऑडियो को एंड अप करता हूँ, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।